हेलो एवरीवन, आज मैं मेथी से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो वो पूड़ी है, स्टफिंग वाली पूड़ियाँ मैं बताऊँगी, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये कड़वी भी नहीं लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं इधर पैन ली हूँ, उसमें मैं ऑयल डाल दी थी थोड़ा सा, और ये जीरा राई और थोड़ा सौंफ डाली हूँ मैं। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद मैं जीरा सॉरी अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डालूँगी और उसे भूनूँगी थोड़ा सा। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा कच्चा जो उसका टेस्ट है वो निकल जाए। तो इसे हम अच्छे से भूनेंगे, उसके बाद अब इसमें हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले। तो ये मैं हल्दी डाल दी हूँ, धनिया पाउडर डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मैं डाल दी हूँ अमचूर पाउडर, जिसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इधर मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह चिली पाउडर भी ले सकते हो। और इसे हम भूनने के बाद इसमें अब हम मेथी डाल देंगे। तो मेथी को मैं अच्छे से साफ़ करके और इसे बारीक कट कर ली हूँ, और इसको अब अच्छे से हम भूनेंगे जिससे हमारा जो कड़वापन है वो निकल जाए। तो इसे हम अच्छे से अब भूनते रहेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा मेथी है वो सॉफ्ट हो गया है, थोड़ा सा पानी पानी जैसा छोड़ रहा है। अब इसमें हम ये देखिए, तो जल गया पानी हमारा इसमें। अब ये हम बेसन डाल देंगे। तो इधर मैं 4 से 5 स्पून में बेसन ली थी, तो उसको डाल दी हूँ मैं इसमें, और इसे भी अच्छे से अब भूनेंगे हम, जिससे क्या होगा, बेसन हमारा कच्चापन नहीं लगे, बेसन का टेस्ट जो है, तो उसे भी भूनेंगे। तो ये देखिए, हमारा बेसन भी भुन गया है। तो थोड़ा सा हम इसे और अभी भूनेंगे। तो आप देख रहे हो, स्टफिंग जो हमारा है वो रेडी हो गया है। तो ये देखिए, अब हम निकाल लेंगे इसको जिसे ठंडा हो जाए, तो मैं इसी में रहने देती हूँ। और इधर मैं लोई लूँगी एक, तो ये आटा मैं ली थी, इसमें मैं अजवाइन और नमक डाल दी थी और गूँथ ली हूँ, एक सॉफ्ट आटा हमें गूँथना था। इसको अब देखिए, ऐसा एक बनाऊँगी मैं लोई को, ऐसा गड्ढे जैसा बनाऊँगी, और उसमें मैं इसमें 2 चम्मच में जो स्टफिंग बनाई थी मेथी का, उसको डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से हम बंद कर देंगे, पूरा कवर कर देंगे, जिसे हमारा स्टफिंग है जो निकले नहीं। और इसे हम अच्छे से अब दबा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो स्टफिंग है वो अच्छे से चारों तरफ फैल जाए। और ये हम सूखा आटा लगा दिए हैं। अब सूखा आटा लगाने के बाद इसे हम बेलेंगे। तो इधर हमें हल्के हाथ से बेलना है और थोड़ा सा मोटा बेलना है। अगर आप स्टफिंग वाला जो भी चीज़ बना रहे हो, मतलब पराठे या पूड़ी या रोटी जो भी, तो उसको थोड़ा सा मोटा बेलना है और हल्के हाथ से। तो ये देखिए, मैं एक बेल ली हूँ, अब दूसरा भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो थोड़ा सा मैं मोटा ही बेल ली हूँ, तो ये मैं इसमें भी भर दी हूँ। अब इसको भी हम बेलेंगे, तो ऐसा। तो ये आप चाहो तो ऊपर का निकाल सकते हो आटा, लेकिन मैं उसी पे दबा दी हूँ। और इसे अच्छे से दबाने के बाद हथेली से ऐसा फिंगर से कर दी हूँ, जिससे हमारा जो स्टफिंग है वो अच्छे से अंदर रहे, चारों तरफ फैल जाए। सूखा आटा लगा के बेलेंगे हम। तो इधर मैं 2 जो रोटियाँ हमारी हैं, जो 2 पूड़ियाँ थीं, वो बन गई हैं, अब हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, कितना अच्छा स्टफिंग जो है चारों तरफ से दिख रहा है। अब ये तेल हमारा जो है गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम पूड़ियाँ डाल देंगे। तो ये ऐसे हम कलछी से उसको ऐसा हिलाते रहेंगे, जिसे देखिए कितनी अच्छी फूल गई हमारी जो पूड़ियाँ हैं। और इसे हम अच्छे से गोल्डन होने तक दोनों साइड फ्राई करेंगे। और ये निकाल ली मैं, अब दूसरी पूड़ी भी मैं कर रही हूँ। तो जो हमारी पूड़ियाँ आप देख रहे हो, कितनी अच्छी फूली हुई हैं, कितनी अच्छी फूल रही हैं। तो ये देखिए, फूल गई हैं, इसे हम पलट देंगे और ये गोल्डन होने तक सेंक लेंगे दोनों तरफ अच्छे से। अब इसे हम निकाल लेंगे, तो मैं आपको अब दिखाती हूँ अंदर का स्टफिंग जो है। तो ये देखिए, हम सारी पूड़ियाँ जो हैं बना ली हैं, अब इसमें हम निकाल के आपको दिखाते हैं अंदर का। तो ये देखिए आप, गर्म है थोड़ा सा, तो आप देख रहे हो कितना अच्छा स्टफिंग जो दिख रहा है पूरा अंदर, और बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। तो आप भी ट्राई करना। तो ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।